नमस्कार मित्रों, मैं रोहित सिंह फिर से लल्लन टॉप फैक्ट चैनल पर आप सभी के लिए अमर कथा महाभारत से जुड़ा एक घटना लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें सभी कौरव पांडव से घृणा करते हैं। परंतु कौरव में भी एक पात्र ऐसा होता है जो धर्म का पालन करता है और दुर्योधन के घृणित कार्यों का निंदा करते हुए वह राजमहल का त्याग कर देता है। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के बाद विकर्ण ही एक ऐसा शख्स था जिसने महाभारत की युद्ध की नींव पड़ने से पहले ही उसने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। कौरव की तरफ से विकर्ण ही ऐसा पहला शख्स था जिसने द्रौपदी के चिरहरण का भरी सभा में विरोध किया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन था विकर्ण। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी हमारी यह अनुरोध है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी सभा में कौरव के पिता श्री धृतराष्ट्र बैठे होते हैं और पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य भी उपस्थित होते हैं। इस सभा में द्रौपदी का अपमान किया जाता है और उन्हें निर्वस्त्र करने का पूरी तरह कोशिश किया जाता है, लेकिन ये सभी महारथी मूक दर्शक बने रहते हैं। तब अकेला एक ही कौरव ऐसा था जिसने पूरे जोर तरीके से इस घृणित कार्य का विरोध किया और आने वाले खतरे के लिए उन्हें आगाह किया। इतना ही नहीं दोस्तों, उस घृणित कार्य के लिए उस कौरव ने दुर्योधन और दुशासन का जमकर आलोचना भी किया और राजमहल का त्याग करने का निर्णय ले लेता है। दोस्तों, कौरव की तरफ से वह व्यक्ति विकर्ण होता है, जो कि विकर्ण धृतराष्ट्र के 100वें पुत्र होते हैं, जो महारथी होने के साथ साथ न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति भी होते हैं। द्रौपदी का चिरहरण का विरोध करने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो विकर्ण ने भाई धर्म का पालन करते हुए कौरव की तरफ से पांडव से युद्ध किया। वहीं दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में भीम का सामना विकर्ण से होता है तो पहले भीम विकर्ण से तो युद्ध नहीं करना चाहते। तब विकर्ण ने भीम से कहा, वह जानते हैं कि कौरव की हार होनी है, लेकिन वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य का पालन करने के कारण ही उन्हें विकर्ण से भीम को युद्ध करना पड़ता है। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि उस समय जो उचित था वही किया उसने और हर गलत कार्य पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विकर्ण ने भीम से कहा, आप परेशान न होए, शस्त्र उठाएं, यही धर्म कहता है। इसके बाद भीम और विकर्ण में भीषण युद्ध होने लगता है और अंत में भीम ना चाहते हुए भी विकर्ण का वध कर देते हैं, जिसका बाद में भीम को बहुत ही अफसोस होता है। तो दोस्तों, यह थी अमर कथा महाभारत की एक छोटी सी रोचक घटना। तो मिलते हैं फिर से महाभारत के एक ऐसे ही नई रोचक घटना के साथ।